मौसम के हिसाब से चना दाल बनाई जाती है। इसी मौसम में बनाया जाता है। एक किलो हमने चना दाल ली है और बहुत ही इसी प्रकार से हमारी चना दाल बड़ी बन के तैयार होगा। और हमने रात में भिगो दिया था, धोकर फूलने के लिए भिगो के रख दिया था। और दूसरे दिन हमने निकाल के ये रखा है जिससे कि हमारी ज़्यादा पानी ना सोख करे और अच्छे से निकल जाए पानी और रुका रुका रहे। और दाल पीसते टाइम भी हम ज़्यादा पानी यूज़ नहीं करेंगे जिससे कि हमारी इडली हमारी चना दाल बड़ी बने और तोड़ते भी बने। और ये आधी कटोरी हमने जीरा लिया है और मेथी एक चम्मच और अच्छे तरीके से भून लेंगे जब तक हमारी खुशबू आ जाए और गोल्डन ब्राउन आने के तक का वेट करेंगे। और हम ये देखिए थिक इतनी बढ़िया दाल पिस के तैयार हुई है। इसी तरीके से हमको बनाना है जैसे कि ईजी हो बनाने में, बड़ी डालने में बनाने में। और यही इसी प्रकार से वो आपको ज़्यादा पानी यूज नहीं करना है। और इसी बैटर में हमने जब पीसा तो उसमें मिर्ची 3 से 4 मिर्ची और ही मिर्ची और अदरक का टुकड़ा हम काट कर डालेंगे। क्योंकि जैसे कि हमारा एक टिप्स रूम है, आपको सभी को याद रखिए आप सभी कि गर्मी के टाइम पे महंगा रहता है अदरक। और कभी कभी रोजमर्रा की सब्जी में जब आप बनाएंगे सब्जियाँ रहती हैं घर पे और आपको याद रहेगा कि आपके पास चना दाल बड़ी रखी है घर पे, तो रोज में आप सब्जी बनाना सोचेंगे तो आपके पास रोज में अदरक नहीं रहता है। तो बड़ी में अगर आपको रहेगा डला रहेगा देते टाइम तो आपको ज़्यादा सब्जी बनाते टाइम आपको कोई ज़रूरत नहीं महसूस होगी। और ज़्यादा चने की दाल में पीसते टाइम पानी यूज ना करें जिससे कि आपकी इडली बने। और इसी तरीके से हमने जैसे चिपके नहीं बड़ी और इडली निकल आए तेल हमने लगा लिया है। और इसी प्रकार से हमने प्लेट में भी लगा लिया है, कटोरी में नीचे से मिल आई थी और ऊपर में ऊपर लाकर हमने अच्छे से तेल लगा कर ग्रीस करके लगा लिया पनीर में। और अच्छी तरीके से लगा कर प्लेट में भी लगाया है हमने जिसमें कि हमारी कुछ प्लेट में भी बन रहा है। और इजली सब्जी बनाते टाइम आप इन बड़ी में ज़्यादा मसाला यूज नहीं होता है। जब आप सब्जी में बनाएं तड़का दें तब आप यूज़ करना सही समझेंगे और सही करेंगे। और अदरक और थोड़ा पैटर्न आई हमने हींग डाला था 1 इंच, ज़्यादा नहीं और मसाले का ज़्यादा यूज भी नहीं होता। और इसी प्रकार से हम तेल ग्रीस करेंगे इस दोनों पनीर में। और ये देखिए कितने अच्छे से हमारा ग्रीस हुआ है, इससे आपको आसानी होगी निकालने में, चिपकेगा नहीं। 3 से 4 दिन तक हम वेट करेंगे। इसी प्रकार से हम छोटी छोटी बड़ियाँ और अच्छे से तरीके से ये गोलाई करके हम छोटी छोटी बड़ियाँ बनाएंगे। और 3 से 4 दिन तक हम अच्छी कड़ी धूप में सूखेंगे इनको और अच्छी तरीके से बनाएंगे। ये जब तक हमारी 3 से 4 दिन तक बड़ी सूखेंगी और वहाँ पर हम वेट करेंगे उनका। और सूखने के बाद हम आपको बताएंगे कि इसी प्रकार से हमारी बड़ी बन के तैयार होंगी और सभी बड़ियाँ बनाकर हम तैयार करेंगे। ऐसे ही आपको बनाना है और इन्जॉय करना है और फैमिली के साथ बहुत ही मज़ा आती है। और आप जो एक टिप्स और देना चाहूँगी कि अगर आप जैसे बड़ी हींग डालेंगे, हींग डालते टाइम साथ में कटोरी रख लें और सभी मसाले और इसमें नमक नहीं डलता है। जब आप तड़का देंगे यानी कि जब आप सब्जी बनाएंगे तब आप नमक का यूज़ करेंगे ही करते ही हैं। और बट आप इसमें नमक नहीं डलता है बनाते टाइम जैसे कि यहाँ पर बन रहा है। तो और दूसरा आप जब आप हींग डालें तो साथ में कटोरी में पानी रख लें थोड़ा सा, तो लगा के आप फेंटें और उसमें डाल के देखें जिससे कि आपको ऊपर आ जाए। तब आपको समझ जाना चाहिए कि आपकी पूरी तरीके से फिट गई है दाल और बनाने के लिए आप तैयार हैं। ये आपको पता चल जाएगा जब आपकी ऊपर दाल जो है फिट गई है और अच्छे से सॉफ्ट बनेंगी आपकी। और अच्छे से फेंट लीजिए जब तक आपको पानी में डालने से थोड़ा सा डाल कर देखिए पानी में कटोरी पे, अगर आपकी ऊपर आ जाती है तो आपका बैटर जो है वो तैयार है बड़ी के लिए।
इसी प्रकार से छोटी छोटी बरी और आपकी साइज के हिसाब से जैसा भी आप बनाना चाहें, बड़ी छोटी, और बहुत ही अच्छे से बन जाती हैं। आप ग्रेवी, प्याज टमाटर की ग्रेवी करके भी बना सकते हैं, या नॉर्मल प्याज या आलू टमाटर प्याज के साथ कैसे भी आप बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। आप फुल इंजॉय कीजिए फैमिली के साथ और सभी के साथ, और बहुत ही बढ़िया और अमेजिंग रेसिपी है ये, बहुत ही टेस्टी बनती है। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आएगी, तो एक लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, फुल सपोर्ट दीजिएगा। इस छोटी थोड़ा सा पानी लगा कर अगर आपके हाथ में चिपकता है तो आप थोड़ा सा, इनको कोई सेक की जरूरत नहीं होती है, वैसे आप बनाना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पानी लगा कर थोड़ा सा गोल करके और फिर अंगूठा लगा कर अच्छे से थोड़ा सा खिसका कर और अच्छे से डाल दीजिए, जिससे कि आपको भी देखने में भी अच्छा लगे और लोगों को भी देखने में अच्छा लगे और खाने में भी बहुत बढ़िया और अच्छा दिखे भी। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। जल्दी से जल्दी 1K सब्सक्राइब और व्यू करिए जल्दी से जल्दी प्लीज़ गाइस। आई होप आपको हमारी वीडियो बहुत ही पसंद आएगी, ये मौसम रेसिपी है और साल भर की रेसिपी है, कभी भी ख़राब नहीं होती है। बीच बीच में आप धूप दिखा दीजिए और जो हमारे टाइट डिब्बे हैं या कोई कंटेनर है, कोई भी डिब्बे में टाइट, उसमें सूखने के बाद 3-4 डेज तक आप सुखोइए। अच्छे से सूखने के बाद आप टाइट डिब्बे में रखिए और कभी भी आपका जब मन चाहे तब बनाइए और इंजॉय कीजिए। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है ये और अमेजिंग रेसिपी है, आप जैसा भी बनाना पसंद करते हैं तो आप वैसे बनाइए और इंजॉय कीजिए फैमिली के साथ। ये चना दाल है तो आपको थोड़ा बहुत तो हींग डालना ही है, जिससे कि अगर आप सब्ज़ी में ना भी डालें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपने चना दाल बड़ी बनाते टाइम आपने यूज़ किया है इनको, तो आप डालें सब्ज़ी बनाते टाइम अगर आप ना डालें तो कोई बात नहीं। और इसी प्रकार से आप बनाएं बड़ी और अच्छे से, ऐसे कोई मसाले और ज़्यादा है तो आप ज़्यादा मसाला यूज़ नहीं करना चाहते, जैसे कि मैंने मेथी जीरे को भूना है फिर डाला है। कुछ लोग भी हींग बस और अदरक बस डालकर बड़ी बना लेते हैं और फिर बाद में जब सब्ज़ी बनाते हैं ना तब आप मसालों का अदरक मिर्ची और मुंशी जीरे और ये सब डालते हैं, यूज़ करते हैं। और अभी बड़ी बनाते टाइम नॉर्मल बना रही हूँ, जैसे कि मैं बना रही हूँ, तो वैसे मैं बनाते टाइम मसाले ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, उनको डालना सही नहीं लगता, तो जिसको ज़्यादा डालना अच्छा नहीं लगता या पसंद नहीं है ज़्यादा मसालों का तो आप ना डालें। और वैसे में आप सब्ज़ी बनाते टाइम पसंद करते हैं तो वैसा बनाएं, जैसा खाना पसंद करते हैं वैसा बनाएं अपने हिसाब से। इसमें आप अभी नमक ना डालें, जैसे कि दाल वो नमक डालने से और पतला होता है, और जैसे कि हमारी बड़े बुजुर्ग और सभी लोग बताया जाता है कि दाल बड़ी बनाते हैं ये वाली चना दाल, तो इसमें नहीं बनती है, डलता है नमक और सभी दालें बनता है ये। इसी प्रकार से ये देखिए हमारी दाल बड़ी बन के तैयार है, थाली में, कोपर में और सीट में यानी कि पन्नी में, इसी प्रकार बना के तैयार करना है आपको सभी को। और इसी प्रकार कितना बढ़िया दिख रही है और धूप भी बढ़िया है और कितनी प्यारी बनी है, छोटी और बड़ी सभी प्रकार से। और ये देखिए 3-4 दिन हमने वेट किया और 3-4 दिन में
हम आइए बन के तैयार हो गए हैं और ये साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए कैसे ना कैसे करके, मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं हूँ अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिला हूँ, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय। डिब्बे में 3 से 4 दिन के बाद रख लीजिए और बढ़िया सिंगा कीजिए।